बस याद रखें, संजय चौहान ने एक प्रस्तुति के बाद एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र से कहा, अकेले बम्बई मत जाओ, रोने के लिए कुछ करीबी दोस्त है। बधाई हो कि सह लेखिका ज्योति कपूर याद करती हैं, संजय इसी तरह के आदमी थे। वह चौहान से मिली, जिन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पान सिंह तोमर और साहिब, बीवी और गैंगस्टर का सह लेखन किया था। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में तिग्मांशु धूलिया के साथ लिवर की बीमारी ने गुरुवार को मुंबई में 62 वर्षीय चौहान को मार डाला। उन्होंने उद्योग में हमेशा युवाओं को जीवित रहने में मदद की। कुछ निर्देशक सिर्फ एक दूसरे की फिल्मों के बारे में बात करते हैं, नहीं आप कविता और भोजन पर चर्चा करते थे। उन्होंने मुझे अपने एफटीआई व्याख्यानों में आकस्मिक रूप से आमंत्रित किया। कपूर ने टिप्पणी की, वो एक उद्योग दुर्लभ थे, वो ग्वालियर से भूगोल जानता था, हम हमेशा सहमत थे और वो हमेशा बातचीत के लिए उपलब्ध रहता था, यहाँ तक कि जब अन्य लेखकों या निर्देशकों के साथ व्यस्त रहता था। वो भाषा और चरित्र को अच्छी तरह से समझता था, वो एक से फिल्म बना सकता था।